हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज रात को फुल मून है और सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका होगा वो कल सुबह होगा 5:15 बजे। तो कल मैं आपके लिए फुल मून की रीडिंग करूंगी और आज मैं देखूंगी कि क्या असर हो सकता है, एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं, हैवी हैं, लाइट हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। 5 कार्ड्स, पहला ही कार्ड आज द लवर्स का आ गया है, राधे कृष्ण। यूनियन लेकर आएगा ये, हैरोफेंट की एनर्जी आ गई सेकंड। बहुत सारे लोगों के लाइफ में यूनियन लेकर आएगा ये आने वाला फुल मून। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, देखिए ये जो फुल मून है इसे हम फ्लावर मून भी कहते हैं और इक्लिप्स भी है। तो ये फुल मून जो है ये मेजर चेंजेस लेकर आएगा, और क्योंकि फ्लावर मून है तो यहाँ पर अबंडेंस को दिखाता है, फ्लावर ग्रोथ को दिखाता है, फ्लावर सक्सेस को दिखाता है। सो ये जो फुल मून है ये अगर आप बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में हैं तो ही आपको ट्रिगर करेगा, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बहुत बैलेंस सिचुएशन होगी, स्पेशली उनकी जो डिवाइन से कनेक्टेड हैं। और जो भी लोअर वाइब्रेशन में हैं, डिटैचमेंट में नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हैं, या आपके पर्सन अगर किसी तरह के कर्माज में हैं तो वहाँ पर उनको ट्रिगर मिल सकता है। थर्ड कार्ड एंजल्स, द मून। फुल मून की एनर्जी में द मून का कार्ड आ गया है तो ऑब्वियसली इमोशंस तो बहुत हाई होंगे। आज रात से फुल मून है लेकिन सुबह भी एनर्जी तो ऑफ कोर्स हैवी रहती ही है। फुल मून भी वाटर साइन में होगा इस बार, स्कॉर्पियो में। हैंग्ड मैन लास्ट कार्ड एंजल्स, फिफ्थ कार्ड, वन मोर कार्ड एंजल्स। मैंने कहा ना, अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, अटके हुए हैं किसी कर्मा में, तो वहाँ पे टावर मोमेंट आएगा, और आ गया। सो लेट्स क्लेरिफाई, मजिशियन की एनर्जी है विद हाई प्रीस्टेस, ठीक है। साइन यहाँ पर सभी साइन हैं, जेमिनाय है, टॉरस है, पाइसेस है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है। आपका या आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, स्पेशली आपके पर्सन का। प्लीज़ क्लेरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे। द लवर्स, आपसे रीयूनाइट होने के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी से आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, फाइट की एनर्जी है। अगर आपको इन्होंने वेटिंग पे रखा है ऑब्स्टिकल्स की वजह से, तो यहाँ पर ये पावरफुली स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मतलब अपने लव लाइफ को लेकर स्टैंड लेने की एनर्जी है, पावरफुल एक्शन लेने की एनर्जी है। टॉरस एनर्जी है, हैरोफेंट, क्यों आया है हैरोफेंट, ओके। क्विक डिसीजन होने वाला है लव लाइफ को लेकर। जिस सिचुएशन में अटके हैं, हैंग्ड मैन, जिस सिचुएशन में अटके हैं वहाँ पर हर्ट हो सकता है इनको, टावर मोमेंट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हैंग्ड मैन के बाद टावर मोमेंट है। यहाँ पर 3 of Swords, हैंग्ड मैन एंड डेथ है, द लवर्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्विक डिसीजन होगा लव लाइफ को लेकर, जैसा कि अभी आया कि आपसे रीयूनाइट होने के लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं। क्या एक्शन ले सकते हैं वो ये चीज़ें हैं। अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हैं, या थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हैं, मैरिड हैं, या इनके पेरेंट्स अगर बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ मेजर एक्शन लिए जा सकते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं रीयूनाइट होने के लिए। द लवर्स के बाद हैरोफेंट आया है और द हैरोफेंट को द लवर्स ने क्लेरिफाई किया है। द मून क्यों आया है,
मून की एनर्जी, इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं इस बार, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा डिसीजन होने वाला है यहाँ पर। दो में से एक सिचुएशन को चूज़ करेंगे आपके पर्सन यहाँ पर। अगर इनके लाइफ में कोई कर्मा है तो वो रिलीज़ होगा, अगर कोई डिवाइन कनेक्शन है या कोई ट्रू लव की एनर्जी है तो वहाँ पर ये स्टैंड लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक्शन लेने की एनर्जी है। हैंग्ड मैन क्यों आया है, कहाँ स्टक हैं, प्लानिंग कर रहे हैं मूव ऑन करने की। ओके, कहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, जहाँ स्टक हैं आपके पर्सन, जहाँ भी जिस भी बंधन में स्टक हैं, जिससे भी डर रहे हैं, जिस भी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उस जगह से ये निकल जाना चाहते हैं या निकल जाना चाहती हैं। टावर की एनर्जी क्यों आई है, जो भी कर्मा साइकिल है वो रिलीज़ होगा। मैंने पहले ही कह दिया था कर्मा पे ट्रिगर होगा ही होगा, अगर फुल मून है तो कर्मा साइकिल तो रिलीज़ होगी। तो यहाँ टावर मोमेंट कर्मा साइकिल पे आएगा, जो भी कार्मिक से डील कर रहे हैं आपके पर्सन वो कर्माज को रिलीज़ करेंगे। मजिशियन की एनर्जी क्यों आई है, इसे भी ले लेते हैं। मजिशियन क्यों आया है करंट एनर्जी में, एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत। राधे कृष्ण, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल कर आता है, क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, प्लीज़ गाइड करें। फाइव कार्ड्स, कई सारे आ रहे हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। सिक्स सिक्स की एनर्जी है, सिक्स सिक्स डिसीजन लेंगे बैलेंस करने का। बैलेंस कैसा होगा, किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे और दूसरे की तरफ सक्सेसफुली बढ़ेंगे। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग एनर्जी है। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, अगेन नंबर सिक्स, ट्रिपल सिक्स, बैलेंस की एनर्जी है, सिक्स सिक्स सिक्स। तो यहाँ पर सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, विद इन सिक्स आवर्स, विद इन सिक्स डेज। आप इसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर, या तो अगर आप इनके कर्मा हैं, अगर आप इनके कार्मिक पार्टनर हैं, चाहे आप इनकी कार्मिक वाइफ हैं, चाहे आप इनके कार्मिक हस्बैंड हैं, चाहे आप इनके कार्मिक हैं, तो आपको इनसे ट्रिगर मिल सकता है, थोड़ा सा अवेयर रहें। और अगर आप इनके सोलमेट हैं या इनके साथ आपका कोई डीप बॉन्ड है, डिवाइन कनेक्शन है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हैं या बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, एक प्रॉपर एक्शन आपकी तरफ होगा। प्लीज़ गाइड करें। चैरियट क्यों आया है, वेटिंग नहीं, वेटिंग एनर्जी यहाँ पर, अब डिसीजन लेने की एनर्जी है, अब ये वेट नहीं करना चाहते, अब तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं। सक्सेस क्यों आया है, सिक्स ऑफ वांड्स क्यों आया है, एम्प्रेस, पैशन इग्नाइट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बॉटम ऑफ द डेक है रीयूनियन। इनके लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कंट्रोलिंग है, जो भी डोमिनेटिंग है, उनसे इनका बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो सकता है न्यू बिगनिंग को लेकर। ये अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जो भी बीच में आएगा उससे इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों आई है, स्टैंड लेना चाहते हैं, भले कैसे भी लेना हो, घर छोड़ सकते हैं, कोई भी, मतलब 0 से 10 तक कोई भी एक्शन ये ले सकते हैं। अगर इनकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो नहीं मानती है,
तो ये एक किसी भी हद तक जाकर ये डिसीजन ले सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, निकल सकते हैं इन सब सिचुएशन से कैसे भी करके। मतलब ये एकदम ज़िद्दी वाली एनर्जी है, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पर्सन की एनर्जी पे कि ये ज़िद्द में आकर स्टैंड लेंगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलना है, इस तरह की एनर्जी है, चाहे किसी भी हद तक जाकर स्टैंड लेना हो। सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? मेमोरीज ऑफ लव। मेमोरीज ऑफ लव के लिए कौन सा कार्ड गिरा है देखिए, बहुत सारे ये कार्ड गिरा है। हारमोनी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आज माइंड ब्लोइंग एनर्जी। आज सिक्स 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 सिक्स, फोर टाइम सिक्स आया है, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है ऐसा। तो सिक्स 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 यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, और बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, बहुत सारे लोगों को ट्रिगर भी मिल सकता है। थोड़ा सा अवेयर रहे फुल मून पे, डिपेंड करता है कि आप किस जर्नी का पार्ट हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप कार्मिक के लिए रीडिंग नहीं करते हो, बिल्कुल डेली मैं रीडिंग करती हूँ, उसमें कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो भी हैं सब उसमें अपना एनर्जी देख सकते हैं, लेकिन एनर्जी किससे मैच कर रही है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इट्स अ वार्निंग मैसेज, तो वो सबके लिए होता है, लेकिन समटाइम्स मैं क्लियरली मेंशन करती हूँ कि अगर कर्मा है तो रिलीज़ होगा, या अगर कार्मिक है तो ट्रिगर मिल सकता है। तो ये स्पेशली मैं बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। सो यहाँ पर इट्स अ वार्निंग मैसेज, इफ़ यू आर डीलिंग विद योर कार्मा, इफ़ यू आर डीलिंग विद योर कार्मिक पार्टनर, चाहे वो कोई भी हो, तो आपके लाइफ में ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं फुल मून पे आने वाले 6 घंटे 6 दिन। तो थोड़ा सा पेशेंस में रहें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपने पर्सन से रो रो कर बात ना करें। रो रो कर रोने वाला इमोजी बहुत लोअर वाइब्रेशनल होता है। मुझे भी व्हाट्सएप पे कई बार मैसेजेस आते हैं, तो वो लोअर, सबसे लोअर वाइब्रेशनल इमोजी होता है वो आंसू बहाने वाला। मैं तुरंत से रोक देती हूँ कि भाई ये रो के मैसेज ना करो, बिल्कुल स्ट्रांग बनो, सबसे पहले तो स्ट्रांग बनो, ठीक है। आंसू बहाओ, दिल से बहाओ, खुशी से बहाओ। कभी भी इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आप बिल्कुल से सरेंडर कर दो किसी पर्सन के लिए। आपकी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ठीक है। सो लोअर वाइब्रेशनल इमोजी सबसे पहले अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर दें। कभी भी लोअर वाइब, हमेशा हंसता हुआ चेहरा देखें, हंसता खिलखिलाता, पॉजिटिव वाइब्रेशंस लें। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, मैं समझती हूँ, लेकिन कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कोशिश करें कि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करें, ज़्यादा देखें। रोने धोने वाले वीडियो ज़्यादा ना देखें, इमोशनल अत्याचार टाइप्स नहीं देखें, उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। उससे आपका पूरा जितना भी, अगर मैंने मोटिवेट किया है ना, उस अगर आप एक वीडियो देखकर सो जाओ, आप पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे। रोना धोना ये सब बहुत लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, ड्रेन करती हैं आपकी एनर्जी, खून चूस लेती हैं आपकी। सो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, वार्निंग मैसेज भी बता दिया है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए रिकवरी, सेकेंड मैसेज है आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ। थर्ड मैसेज है आपके लिए मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। फोर्थ मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस, एंड फिफ्थ मैसेज है लेट गो। ओके, तो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप इस फुल मून पे मेडिटेशन ज़रूर करें, मैनिफेस्ट ज़रूर करें, विजुअलाइज ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें विजुअलाइज ना करें। रोना धोना, इमोशनल लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव बनाएं अपने आप को। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, हो सकता है आपकी, आपके परिवार में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, स्पेशली इस फुल मून 6 दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर, ठीक है। थोड़ा ट्रिगर मिल सकता है हेल्थ वाइज। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में, ये फुल मून बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाला है, स्पेशली रिलेटेड विद फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, जॉब लग सकती है, रुका पैसा मिल सकता है, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है, यूनियंस हो सकते हैं, एंड लेट गो की एनर्जी है। इस फुल मून पे अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर अटैचमेंट में पड़ते हैं, तुरंत उस एनर्जी को लेट गो कीजिए। कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से रिलीज़ कीजिए, पास्ट की मेमोरीज़ को रिलीज़ कीजिए इस फुल मून में। अगर आपने अपने अंदर दबा के रखे हैं, सप्रेस्ड रखे हैं, तो उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, सरफेस पे लाइए, रिलीज़ कीजिए, क्लिंस कीजिए। सो मेडिटेशन से आप ये सब कर सकते हैं।
सो ये है आज की एनर्जी। सो देखते हैं आप में से कितने लोगों से रेजोनेट होती है आने वाले 6 घंटे 6 दिन के अंदर। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।